आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे द्रव वाष्प साम्यावस्था, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। इसके पहले हमने ठोस द्रव साम्यावस्था पढ़ा है, अब पढ़ने जा रहे हैं द्रव वाष्प साम्यावस्था यानी लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। तो देखते हैं कह रहा है इस तथ्य को निम्नलिखित प्रयोगों के माध्यम से समझा जा सकता है। एक प्रैक्टिकल करके हम इस बात को समझ लेंगे द्रव वाष्प इक्विलिब्रियम को। कह रहा है एक यू आकार की नलिका जिसमें पारा भरा हो, तो कोई यू आकार की नली हो जिसमें पारा भरा है तो उसको मैनोमीटर बोला जा रहा है। को एक कांच या प्लास्टिक के पारदर्शी बॉक्स से जोड़ देते हैं, तो कोई कांच हो या प्लास्टिक का बर्तन हो जो मतलब पारदर्शी हो, उस बॉक्स से इस मैनोमीटर को यानी यू आकार की नलिका है जिसमें पारा भरा है उससे जोड़ देते हैं। कह रहा है बॉक्स में एक वॉच ग्लास या पेट्री डिश में निर्जलीय कैल्शियम क्लोराइड या फास्फोरस पेंटाऑक्साइड जैसा जल शोषक रखकर बॉक्स की वायु को कुछ घंटों तक सुखाया जाता है। अब क्या करते हैं, तो उस बॉक्स में हम लोग क्या करते हैं कि एक वॉच ग्लास रख देते हैं या इसी को पैट्री डिश कहते हैं। तो बॉक्स में एक वॉच ग्लास या पैट्री डिश रखते हैं और उसमें क्या करते हैं कि एनहाइड्रेटेड कैल्शियम क्लोराइड या फास्फोरस पेंटाऑक्साइड रख देते हैं, निर्जलीय अंग्रेजी में देखते हैं इसको एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड रख देते हैं। निर्जलीय मतलब जिसमें जल नहीं है, तो अब उसमें जल नहीं है तो उसमें जल सोखने की प्रॉपर्टी होगी, तो उस जो है कांच की नली के अंदर जिसमें पारा भरा गया है उसके अंदर जो भी पानी होगा उसको सोख लेगा। तो वही कह रहा है कि जैसा जल शोषक रखकर बॉक्स की वायु को कुछ घंटों तक सुखाया जाता है, मतलब निर्जलीय कैल्शियम क्लोराइड जैसा जल शोषक यानी जो पानी को एब्जॉर्ब कर ले। कुल मिलाकर के उस नली में पानी नहीं रखना है। कह रहा है इसके पश्चात जल शोषक को बाहर निकाल लिया जाता है यानी फास्फोरस पेंटाक्साइड या निर्जलीय कैल्शियम क्लोराइड को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं और कह रहा है बॉक्स को एक तरफ टेढ़ा कर उसमें जल सहित एक वॉच ग्लास या पैट्री डिश को शीघ्र रख दिया जाता है। फिर से उस बॉक्स को टेढ़ा करके उसमें जल सहित, अभी देखिए उसको सुखाया है हमने पूरी नली को, अब उसी मान लीजिए पैट्री डिश एक कटोरी मान लीजिए, वाच ग्लास या कटोरी मतलब कांच की कोई बर्तन है जिसको देखा जा सके, उसमें दिखाई दे आर पार, तो उसमें रख दिया जाता है। अब कह रहा है मैनोमीटर को देखने पर पता चलता है कि कुछ समय पश्चात इसकी दाई भुजा में पारा धीरे धीरे चढ़ता है और अंततः स्थिर हो जाता है, अर्थात बॉक्स में दाब बढ़ने लगता है और फिर स्थिर हो जाता है। जाहिर सी बात है कि पारा चढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि यू आकार की जो नली है एक तरफ पारा चढ़ रहा है तो दूसरी तरफ से दाब बनेगा तभी पारा चढ़ेगा, ऐसे तो पारा चढ़ नहीं सकता है। तो वही कह रहा है कि मैनोमीटर को देखने पर पता चलता है कि कुछ समय पश्चात उसकी दाई भुजा में पारा धीरे धीरे बढ़ता है और अंततः स्थिर हो जाता है, अर्थात बॉक्स में दाब पहले बढ़ता है और फिर स्थिर हो जाता है। तो पहले तो पारा चढ़ता है लेकिन फिर उतर कर अपनी पोजीशन में आ जाता है, तो इससे पता चलता है कि पहले तो दाब बढ़ा लेकिन फिर स्थिर हो गया। तो वाच ग्लास में लिए गए जल का आयतन भी कम हो जाता है, तो जो वाच ग्लास यानी जो कांच की कटोरी जैसी है उसमें जो हमने पानी लिया था उस पानी का वॉल्यूम यानी आयतन भी कम हो गया। चित्र 6.1 हमको देखना है।
यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि मेजरिंग इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट एन कांस्टेंट टेम्परेचर। तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, एक नियत ताप पर हमको क्या करना है कि इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर को नापना है। मेजरिंग इक्विलिब्रियम ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, यानी पानी के वाष्प दाब को नापना है। तो पहले हमने क्या किया है कि यहाँ पर देखिए एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड रखा है, निर्जलीय कैल्शियम क्लोराइड, इसमें जल नहीं है। तो इस बाक्स के अंदर पूरा जितना भी जल है उसको सोख लेगा। सोखने के बाद क्या है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं और इसी में हम क्या करते हैं, पानी भर देते हैं। जब पानी भर देते हैं तो पहले इसकी भाप को अंदर, अगर कुछ भाप हो के रूप में पानी हो या कुछ भी हो, तो ये सोख लेगा। इसका मतलब अंदर अब पानी हो गया खत्म। तो ये कंडीशन है पारे की, दोनों तरफ यू ट्यूब में ऐसे पारा चढ़ा जब पानी नहीं है, यानी पानी को सुखा करके इसको निकाल लिया गया। अब इसके बाद क्या होता है कि इसके अंदर हम पानी भर देते हैं, इसी पैट्री डिश या कटोरी में पानी भर देते हैं। अब क्या होता है, पारा ऐसे चढ़ता है, पारा चढ़ रहा है, देखिए इस पर ज्यादा ऊपर चढ़ गया, इसमें बराबर है, इस पे चढ़ गया। इससे क्या पता चलता है कि अंदर दाब बना। तो दाब कैसे बना, इसका मतलब ये पानी भाप के रूप में बना और उसी वेपर यानी भाप ने इसमें दाब डाला तब ये चढ़ा। तो इस प्रकार से प्रैक्टिकल किया गया है। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए कह रहा है कि दाई भुजा में पारा धीरे धीरे चढ़ता है और अंततः स्थिर हो जाता है। मतलब जितना चढ़ गया तो चढ़ने के बाद अब इसी जगह ये रुक जाता है, यानी अब ऊपर नहीं चढ़ता है, यानी जितना भाप बनना था वो बन गई। तो कह रहा है कि अर्थात बॉक्स में दाब पहले बढ़ता है और फिर स्थिर हो जाता है, तभी तो रुक गया। अब वाच ग्लास में लिए गए जल का आयतन भी कम हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि पानी जो कटोरी में रखा गया है वही भाप बन गया है, तभी तो आयतन कम हुआ। चित्र 6.1 हमने देख लिया। कह रहा प्रारंभ में बाक्स में जल वाष्प नहीं होती है या थोड़ी सी हो सकती है, किंतु जब जल का वाष्पन होने से गैसीय प्रावस्था में जल अणुओं के बदलने के कारण दाब बढ़ जाता है, तब वाष्पन होने की दर स्थिर रहती है। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि पहले जब भाप नहीं था, केवल पानी था, तो वो वाष्प बन रहा था, लेकिन अब वाष्प जो बन रही है वो पानी में भी दबाव डालेगी जो हमने कटोरी में रखा है, तो उस दबाव के कारण अब पानी के अणु ऊपर नहीं उड़ पा रहा, यानी वाष्प बनना अब कांस्टेंट हो गया, नियत हो गया। तो इसीलिए कह रहा है कि जल वाष्प का, जल का वाष्पन होने से गैसीय प्रावस्था में जल अणुओं के बदलने के कारण वाष्प दाब बढ़ जाता है, तब वाष्पन होने की दर स्थिर रहती है। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि जो पानी से वाष्प बन रहा है तो वाष्प बनने की दर स्थिर रहती है, समय के साथ साथ दाब की वृद्धि दर में कमी होने लगती है। तो जैसे जैसे वाष्प बनती जाती है तो पहले तो दाब बहुत तेजी से बढ़ता है, क्योंकि पहले कुछ था ही नहीं, वाष्प थी ही नहीं, क्योंकि निर्जलीय कैल्शियम क्लोराइड डाल करके हमने पूरा निकाल लिया था। तो पहले जब बनना शुरू होती है तो तेजी से दाब बढ़ता है, लेकिन फिर जब वातावरण का, अंदर के कांच के बॉक्स का दाब बढ़ता है धीरे धीरे, तो वाष्प बनने की दर धीरे धीरे कम होने लगती है, तो दाब भी कम होगा। समय के साथ साथ दाब की वृद्धि दर में कमी होने लगती है। जाहिर सी बात है कि वाष्प कम बनेगी तो दाब की वृद्धि दर भी कम होगी। इसका तात्पर्य है कि जैसे जैसे जल के अणुओं की संख्या गैसीय प्रावस्था में बढ़ने लगती है, वैसे वैसे गैसीय प्रावस्था से जल के अणुओं की द्रव प्रावस्था में संघनन की दर साम्यावस्था स्थापित होने तक बढ़ती रहती है, अर्थात साम्यावस्था पर वाष्पन की दर, इक्विलिब्रियम का साइन लगा दिया, साम्यावस्था वाला संघनन की दर। तो जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी तो जो पहले क्या था कि जल था फिर वाष्प बना, अब क्या होगा, जब दाब बहुत बढ़ेगा तो वाष्प जल में बनने लगेगी। एक समय इक्विलिब्रियम आ जाएगा, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो वाष्प से, जल से वाष्प बनने की दर जितनी होगी
वाष्प से जल बनने की दर उतनी हो जाएगी, तब दाब हमारा उस यू ट्यूब की नली में स्थिर हो जाएगा, तब पारा जितना चढ़ेगा उतने पे स्थिर हो जाएगा। तो कारण यह हुआ कि जब पारा यू ट्यूब में स्थिर हो गया तो मान लीजिए कि साम्य अवस्था हमने प्राप्त कर ली। तो देखिए वाष्पन की दर इक्विलिब्रियम का साइन, संघनन की दर मतलब जितना पानी से वाष्प बन रहा है उतना वाष्प से फिर पानी बन रहा है, क्योंकि संघनन कंडेंसेशन कैसे किसको है, वाष्प से मतलब वेपर से लिक्विड बनने की प्रक्रिया को कंडेंसेशन कहते हैं और लिक्विड से वाष्प बनने की प्रक्रिया को वेपराइजेशन कहते हैं। तो यहां पर देखिए H2O जल से H2O वाष्प के रूप में बन रहा है और ये प्रक्रिया इक्विलिब्रियम में है, यानी जितना जल से वाष्प बन रहा है उतना वाष्प से जल बन जा रहा है। साम्य अवस्था में जल अणुओं द्वारा उत्पन्न दाब किसी दिए ताप पर स्थिर रहता है, इसे जल का साम्य वाष्प दाब या जल का वाष्प दाब कहते हैं। तो ध्यान दीजिए कि अगर एक टेम्परेचर फिक्स कर लिया जाए तो उसमें जो हमारा दाब होगा वाष्प का उसे हम साम्य वाष्प दाब कहेंगे, मतलब इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर, क्योंकि वाष्प और जल इक्विलिब्रियम में है, या सिंपली हम इसको वाष्प दाब कहते हैं। द्रव का वाष्प दाब ताप के साथ बढ़ता है। आप देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एनर्जी मिलेगी, तो पानी के अणु ज्यादा वाष्प बनेंगे, तो जाहिर सी बात है कि वाष्प दाब बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने पर। यदि यह प्रयोग मेथिल एल्कोहल एसीटोन ईथर के साथ दोहराया जाए तो यह प्रेक्षित होता है कि इनमें साम्य वाष्प दाब विभिन्न होते हैं। तो देखिए पानी की तरह अगर मेथिल एल्कोहल एसीटोन ईथर इत्यादि पदार्थों को डाल करके इस तरह प्रैक्टिकल हम लोग करें तो पाएंगे कि हर एक में वेपर प्रेशर अलग अलग आएगा। तो कह रहा है अपेक्षाकृत उच्च वाष्प दाब वाला द्रव अधिक वाष्पशील होता है एवं उसका क्वथनांक कम होता है। तो ध्यान दीजिए कि अगर हम तुलना करें तो जिस द्रव का वाष्प दाब ज्यादा होता है उस द्रव का क्वथनांक कम होता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तब देखिए यहाँ पर क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट शब्द आ गया है, तो पहले इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि वो बिंदु, वो टेम्परेचर जिस पर उस पदार्थ का दाब एटमॉस्फेरिक दाब यानी 1 atm के बराबर हो जाता है, और जब दाब वायुमंडल में 1 atm के बराबर हो जाता है, इतना दाब बनता है वाष्प का, तो उस स्थिति में क्या होता है कि वो पदार्थ उबलने लगता है जैसे पानी उबलता है। तो जाहिर सी बात है कि उबलने को क्वथन कहते हैं, तो उस बिंदु को क्वथनांक कहते हैं यानी बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो कुल मिला के बॉइलिंग पॉइंट की अगर परिभाषा हमको लिखना हो तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि वो दाब, वो टेम्परेचर जिस पर कोई पदार्थ की जब भाप बनती है तो उस भाप का दाब 1 atmospheric प्रेशर हो जाता है, तो उसे हम उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और उसी दाब पर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसी दाब पर वो पदार्थ उबलने लगता है, इसलिए उसे क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो वही कह रहा है कि अपेक्षाकृत उच्च वाष्प दाब वाला द्रव अधिक वाष्पशील होता है एवं उसका क्वथनांक कम होता है। तब इसको समझने का प्रयास करिए कि जो हाई वेपर प्रेशर वाला पदार्थ है या द्रव है, तो जाहिर सी बात है कि उच्च वाष्प दाब है, इसका मतलब उसकी वाष्प ज्यादा बन रही है। जब वाष्प ज्यादा बनेगी तो जैसे जैसे वाष्प ज्यादा बनेगी तो उस विलयन में दबाव पड़ेगा, तो जब दबाव पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि वाष्प दाब हाई होगा तो वो कम टेम्परेचर पर ही उबलने लगेगा। तो ये बात हमको ध्यान देना है कि जो उच्च वाष्प दाब वाला द्रव होता है उसका क्वथनांक कम होता है।
यानी वो कम टेम्परेचर पर उबलने लगता है। जाहिर सी बात है कि वाष्प बनाना है और उच्च वाष्प दाब है, इसका मतलब ज्यादा वाष्प बन रही है, तो कम गर्म करने पे ही ज्यादा वाष्प बन रही है ना, तो वो जल्दी उबलने लगेगा यानी कम टेम्परेचर पे उबलने लगेगा। तो क्वथनांक टेम्परेचर का ही तो पैमाना है, तो कम टेम्परेचर पे जब उबलेगा तो कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट कम है। यदि तीन वाच ग्लासों में एसीटोन, एथिल अल्कोहल एवं जल के प्रत्येक का 1 ml वायुमंडल में खुला रखा जाए तथा इस प्रयोग को एक गर्म कमरे में इन द्रवों के भिन्न भिन्न आयतनों के साथ दोहराया जाए, तो हम यह पाएंगे कि इन सभी द्रवों में द्रव का पूर्ण वाष्पीकरण हो जाता है। तो अगर हम एसीटोन, एथिल अल्कोहल और पानी, ये सब अलग अलग कटोरियों में ले लें, वाच ग्लास जिसको कह रहा है, वाच ग्लास इसलिए कह रहा है क्योंकि ग्लास जो है उसमें पानी भरा है, हमारी आंखों को दिख रहा है। जैसे स्टील के बर्तन भर देंगे नहीं दिखेगा, तो ये वाच ग्लास नहीं, वाच का मतलब दिखना या जिसका हम निगरानी कर सकें, ये भी कह सकते हैं। तो अगर 1 ml वायुमंडल में रखा जाए, उनमें 1 1 ml सब में, तो हम ये देखते हैं कि कमरे में रख देंगे तो एक गर्म कमरे में इन द्रवों के भिन्न भिन्न आयतनों के साथ दोहराया जाए, तो हम पाएंगे कि इन सभी प्रयोगों में द्रव का पूर्ण वाष्पीकरण हो जाता है, यानी पूरा पूरा जो है लिक्विड वेपर में चेंज हो जाता है। पूर्ण वाष्पन का समय द्रव की प्रकृति, द्रव की मात्रा तथा ताप पर निर्भर करता है। तो टोटल वेपराइजेशन का जो टाइम है, तो वो टाइम हमारा तीन बातों पर निर्भर करता है, नेचर क्या है लिक्विड की, अमाउंट क्या है लिक्विड का, और टेम्परेचर क्या है। तीन बातों पर निर्भर करेगा। जब वाच ग्लास को वायुमंडल में खुला रखा जाता है तो वाष्पन की दर तो स्थिर रहती है, परंतु वाष्प के अणु कमरे के पूरे आयतन में फैल जाते हैं। जैसी बात कमरे में रखेंगे तो कमरे के पूरे आयतन में फैलेंगे, उस कांच के बॉक्स में रखा था तो उसमें पूरा फैले थे। अतः वाष्प से द्रव अवस्था में संघनन की दर वाष्पन की दर से कम होती है। तो वाष्प कह रहा है, अतः वाष्प से द्रव अवस्था में संघनन की दर वाष्पन की दर से कम होती है। अब चूंकि कमरा बड़ा है तो भाप बनने की मात्रा तो ज्यादा तेज है, लेकिन भाप से द्रव बनने की प्रक्रिया कम होती है, ये कहने का मतलब है। तो इसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण द्रव वाष्पित हो जाता है, जिससे क्या होता है कि चूंकि कमरा बहुत बड़ा है, पानी 1 ही ml लिए हैं, तो जब 1 ml में पूरा कमरे में फैलने की जगह है तो पानी भाप बन के फैल जाता है, लेकिन फिर से लिक्विड बनने की प्रक्रिया कम होती है क्योंकि जगह बहुत ज्यादा है। तो वही कह रहा है कि इसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण द्रव वाष्पित हो जाता है। यह एक खुले निकाय का उदाहरण है, एक तरह से हमने जो बाक्स में बंद किया था उसको खोल दिया, तो यह ओपन सिस्टम है एक तरह से। खुले निकाय में साम्यावस्था की स्थापना होना संभव नहीं है। तो खुला निकाय अगर ओपन सिस्टम होगा तो पानी के अणु इधर उधर या जो भी द्रव भरा जाएगा उसके मॉलिक्यूल बहुत फैल जाएंगे, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है साम्यावस्था की, वो स्थापित हो पाना संभव नहीं है। अब देखिए आगे देखते हैं, कह रहा है बंद पात्र में जले हुए जलवाष्प एक वायुमंडलीय दाब यानी 1 bar, एक वायुमंडलीय दाब या 1.013 bar तथा 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर साम्य स्थिति में होता है। तभी हमने आपको बताया कि जल का वाष्प, जल और वाष्प में इक्विलिब्रियम कितने पे होता है, एक वायुमंडलीय दाब जिसको 1.013 bar भी बोलते हैं, एक वायुमंडल 1 atm इक्वल टू 1.013 bar होता है। अब देखे 013 बहुत कम है, इसलिए 1 atmosphere को हम 1 bar ही कहते हैं जनरली, तथा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इक्विलिब्रियम में होता है, साम्य में होता है, पानी और वेपर, वाटर और वेपर। अब देखिए कह रहा है कि 1.013 bar दाब पर जल का सामान्य क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो कुल मिला के अभी हमने बताया था कि 1 atm दाब जब पा लेगा भाप तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक बिंदु, और उसी पर वो उबलने लगता है। तो पानी कितने डिग्री पे उबलता है, 100 डिग्री पे, तो इसीलिए 100 डिग्री उसका बॉइलिंग पॉइंट है।
तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि पानी 100 डिग्री पे उबलता है इसलिए वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है, गलत। 100 डिग्री पर पानी की भाप 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पा लेती है इसलिए ये बॉइलिंग पॉइंट है। अब वो अलग बात है कि वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पा पाती है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए आगे देखते हैं, कह रहा है किसी शुद्ध द्रव के लिए एक वायुमंडलीय दाब यानी 1.013 bar पर वो ताप जिस पर द्रव एवं वाष्प साम्यावस्था में होते हैं द्रव का सामान्य क्वथनांक कहलाता है। द्रव का क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। देखिए अभी जो हमने चिल्ला चिल्ला के बताया कि टेम्परेचर से नहीं मतलब है, प्रेशर से मतलब है कि 1 एटमॉस्फियर प्रेशर पर जब पहुंच जाएगा कोई लिक्विड तो उसका वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा, टेम्परेचर से मतलब नहीं है। वो अलग बात है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर पानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्राप्त करता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि द्रव का क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर नहीं। यह स्थान के उन्नतांश ऊंचाई पर भी निर्भर करता है, अधिकांश उन्नतांश पर द्रव का क्वथनांक घटता है। ध्यान दीजिए, अगर हम ऊंचाई पर चले जाएं तो वायुमंडलीय दाब कम होता है, गहराई पर जाएंगे तो हवा की जो लेयर है वो लेयर की मोटाई बढ़ेगी, और ऊंचाई पर जाएंगे तो हवा की जो लेयर है परत वो नीचे छूट गई, हम ऊपर चले गए तो अब जितनी हवा ऊपर है उतनी ही दाब डालेगी, तो ऊपर दाब डालने वाली लेयर मोटी पतली हो गई जब हम ऊंचाई पे चले गए तो हवा का दाब कम हो गया। जाहिर सी बात है कि अब हवा का दाब कम हो गया तो अब उस दाब को प्राप्त करने के लिए, दाब कम हुआ तो अब कम ताप पर ही उस दाब पर द्रव पहुंच जाएगा, इसलिए क्योंकि दाब कम है तो अब हम कम गर्म करेंगे तब भी वो द्रव प्राप्त कर लेगा, इसलिए कम दाब पर उबलने लगेगा इसलिए द्रव का क्वथनांक घट जाता है। समझ में आ गया होगा, जब पृथ्वी की सतह पर थे तो हवा का दाब ज्यादा था तो ज्यादा गर्म करते थे तब भाप उस दाब पर पहुंच पाती थी, जब ऊंचाई पर चले गए तो हवा का दाब कम हो गया तो अब हमें कम दाब प्राप्त करना है, तो अब द्रव को गर्म करेंगे तो उसकी भाप कम दाब को प्राप्त करने के लिए कम गर्म करने पर प्राप्त कर लेगी, तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट तो टेम्परेचर ही माप रहा है ना। तो इस प्रकार से हम लोग बातों को समझने का प्रयास करेंगे और सही से बात को समझेंगे, गलत नहीं समझेंगे। अब आगे आ जाता है, देखिए ठोस वाष्प साम्यावस्था। अभी हमने द्रव वाष्प साम्यावस्था पढ़ी, अब ठोस वाष्प साम्यावस्था पढ़ रहे हैं। तो कह रहा है अब हम ऐसे निकायों पर विचार करेंगे, इसको इंग्लिश में थोड़ा देख लेते हैं, सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। निकाय का मतलब सिस्टम, सिस्टम को हमने बताया था आपको कि जैसे कोई बर्तन है उसमें पानी भरा है, तो बर्तन हमारा कोई बॉडी हो गई, उसका वातावरण ये पूरा मिला करके ये जो बर्तन हुआ जिसमें पानी है सिस्टम हुआ, उसके चारों ओर ये हमारा सराउंडिंग हो गया, तो निकाय को अंग्रेजी में सिस्टम बोलते हैं। तो वही कह रहा है अब हम ऐसे निकायों पर यानी सिस्टम पर विचार करेंगे जहां ठोस वाष्प अवस्था में ऊर्ध्वपातित होते हैं। ध्यान दीजिए शब्द आ गया ऊर्ध्वपातन, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सबलिमेशन। तो कोई पदार्थ अगर ठोस से द्रव न बने, डायरेक्ट भाप बन जाए तो इसको क्या बोलेंगे, सबलिमेशन या ऊर्ध्वपातन बोलेंगे। जैसे कपूर है हमारा, कपूर को जलाइए तो द्रव नहीं बनता, ठोस होता है, डायरेक्ट जल के गैस में बन जाता है, उसका धुआं निकलता है। तो ऊर्ध्वपातन कौन सो कर रहा है, कपूर। तो ऊर्ध्वपातन का मतलब है ठोस से डायरेक्ट गैस में बन जाना, द्रव प्रावस्था ना आए, तो उसको ऊर्ध्वपातन या अंग्रेजी में
सबलिमेशन कहते हैं। यदि हम आयोडीन को एक बंद पात्र में रखें तो कुछ समय पश्चात पात्र बैंगनी वाष्प से भर जाता है तथा समय के साथ साथ रंग की तीव्रता में वृद्धि होती है, परंतु कुछ समय पश्चात रंग की तीव्रता स्थिर हो जाती है। इस स्थिति में साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। तो जाहिर सी बात है कि आयोडीन जब बंद पात्र में रखे तो धीरे धीरे वो रंगीन होने लगा बैंगनी, एक समय बहुत तीव्र बैंगनी हो गया, फिर धीरे धीरे वो तीव्र बैंगनी होना एकदम स्टॉप हो गया। तो जाहिर सी बात है कि जो ठोस आयोडीन भाप बन रही थी और भाप ठोस आयोडीन बन रही थी, वो अब साम्य में आ गई होगी, इक्विलिब्रियम में, यानी जितनी मात्रा में ठोस आयोडीन भाप बन रही थी उतनी मात्रा में भाप ठोस आयोडीन बनने लगी, तो रंग जो है वो रंग की तीव्रता स्थिर हो गई। तो इसका मतलब अब साम्यावस्था या इक्विलिब्रियम स्थापित हो गई। अतः ठोस आयोडीन ऊर्ध्वपातित होकर आयोडीन वाष्प देती है तथा साम्यावस्था को इस रूप में दर्शाया जा सकता है। तो ध्यान दीजिए, आयोडीन भी ऊर्ध्वपातन दिखाती है, कपूर जैसे हमने बताया वैसे आयोडीन में भी सबलिमेशन या ऊर्ध्वपातन होता है, ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाती है। अब देखिए ऊर्ध्वपातन दिखा रहा है, I2 ठोस है आयोडीन, और ये देखिए वेपर यानी वाष्प बन गई आयोडीन की, इक्विलिब्रियम का साइन, साम्यावर्तक, मतलब जितनी मात्रा में ठोस आयोडीन वाष्प आयोडीन में बदल रही है उतनी मात्रा में उल्टा वाष्प आयोडीन ठोस आयोडीन में बदल रही है। इस प्रकार के साम्य के अन्य उदाहरण है, देखिए कपूर आ गया, कपूर ठोस से कपूर वाष्प बन रहा है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड ठोस से वाष्प बन रहा है, तो ये सब इक्विलिब्रियम है। तो देखिए कपूर अमोनियम क्लोराइड आयोडीन ये सब ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, यानी सबलिमेटेड सब्सटेंस जो सबलिमेशन दिखाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग ये स्टडी करते चले जाएंगे एक एक बात को अच्छे से समझते हुए। अब अगली हेडिंग हमारी आ जाती है, द्रव में ठोस अथवा गैस की घुलनशीलता संबंधी साम्य। तो कोई द्रव है लिक्विड है जैसे पानी, इसमें ठोस जैसे नमक या गैस जैसे हाइड्रोजन इसमें घोलना चाहे तो घुलनशीलता का क्या साम्य होगा, यानी किस प्रकार से ठोस द्रव के साथ या द्रव गैस के साथ इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो देख लीजिए कि द्रव में ठोस अथवा गैस की घुलनशीलता, यानी लिक्विड में हम सॉलिड को घोल रहे हैं या गैस को, तो पहले हम पढ़ने जा रहे हैं द्रवों में ठोस, यानी पहले ठोस को डालते हैं, यानी पानी में नमक या चीनी इस तरह के पदार्थ को डालते हैं। तो देखिए कह रहा है कि हम अपने अनुभव से यह जानते हैं कि दिए गए जल की एक निश्चित मात्रा में सामान्य ताप पर लवण या चीनी की एक सीमित मात्रा ही घुलती है। ऐसी बात है कि पानी में घोलते चले जाएंगे तो एक मात्रा है जो पानी में घुलेगी, चाहे नमक घोले चाहे चीनी। यदि हम उच्च ताप पर चीनी की चाशनी बनाएं और उसे ठंडा करें तो चीनी के क्रिस्टल पृथक हो जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि जब टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो चीनी और घुल जाएगी, लेकिन जैसे ठंडा करेंगे तो जो एक्स्ट्रा घुल गई है जब नॉर्मल टेम्परेचर होगा तो जितनी एक्स्ट्रा घुली थी वो फिर से क्रिस्टल के रूप में छोटे छोटे रवा के रूप में नीचे बर्तन की तली पर बैठ जाएगी। तो वही कह रहा है कि किसी ताप पर दिए गए विलयन में यदि और अधिक विलयन न घुले तो ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको जो है यहां पर अंडरलाइन करिए, यहां तक ही अंडरलाइन करिए और यहां भी अंडरलाइन करिए यहां तक। अब देखिए समझने का प्रयास करिए, जैसे पानी है, पानी में हम चीनी मिला रहे हैं, मिलाते जा रहे हैं मिलाते जा रहे हैं मिलाते जा रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा कि जितनी चीनी मिलाएंगे वो उतनी नीचे बैठ जाएगी, यानी उससे ज्यादा आप नहीं घुल सकती। तो ऐसा विलयन जिसमें उससे ज्यादा अब विलय न घोला जा सके, तो जब उससे ज्यादा विलय यानी सॉल्यूट नहीं घोल सकते तो
तो उस विलयन को बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन या संतृप्त विलयन। इसको इस तरह समझिए कि जैसे पानी है, तो पानी जब हम पीते हैं तो पीते चले जाते हैं, पीते चले जाते हैं, पीते चले जाते हैं, इच्छा भर जाती है। लेकिन आदमी कहता है कि कोई कहता है अरे थोड़ा सा और पी लीजिए, तो थोड़ा सा और पीते हैं, फिर एक समय ऐसा आ जाता है कि उसके बाद जरा भी पानी नहीं पीते, तो क्या कहते हैं, कहते अब हमारी आत्मा तृप्त हो गई, यानी संतृप्त हो गई, इससे ज्यादा पानी नहीं पी सकते। तो जब विलयन में उससे ज्यादा विलेय न डाला जा सके तो उस स्थिति को बोलेंगे कि अब संतृप्त विलयन हो गया, यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए विलेय की विलेयता ताप पर निर्भर करती है। अभी हमने आपसे बताया कि वो चीनी घोल रहा, घोलते घोलते कर अब टेम्परेचर बढ़ाया तो और चीनी घुल गई, तो जाहिर सी बात है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सोलिबिलिटी बढ़ जाती है। तो वही विलेय की विलेयता ताप पर निर्भर करती है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर सोलिबिलिटी बढ़ती है, विलेयता बढ़ती है। तो संतृप्त विलयन में अणुओं की ठोस अवस्था एवं विलेय के विलयन में अणुओं के बीच गतिक साम्य रहती है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अभी हमने क्या देखा कि जितनी चीनी घोल रहे हैं उतना नीचे बैठ जा रही है, इसका मतलब कि ठोस और लिक्विड चीनी के कण और चीनी के अणु और पानी के अणु गतिक साम्य है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। चीनी पानी में घुल रही है और फिर घुली हुई चीनी नीचे बैठ जा रही है, तो यह प्रक्रिया गतिक साम्य रूप में चल रही है। तो वही कह रहा है कि विलयन में अणुओं की ठोस अवस्था एवं विलेय के विलयन में अणुओं के बीच गतिक साम्य रहता है, यानी चीनी का विलयन और ठोस चीनी आपस में एक दूसरे में बदलते रहते हैं। चीनी चीनी का विलयन बनाती है और चीनी के विलयन से ठोस चीनी अलग होती है, ये गतिक साम्य होता है। तथा साम्य अवस्था में चीनी के घुलने की दर बराबर चीनी के क्रिस्टल बनने की दर। तो ये ध्यान दीजिए, हमने क्या बोला था, साम्य अवस्था में दोनों प्रकार की क्रियाएं बराबर दर से होती हैं, बराबर रेट से होती हैं। तो जितना चीनी घुलने की दर होगी उतना चीनी के घुले हुए चीनी के ठोस क्रिस्टल बनने की दर होगी। अब देखिए रेडियो एक्टिविता युक्त चीनी की सहायता से उपरोक्त दरों एवं साम्यावस्था की गतिक प्रकृति को सिद्ध किया गया है। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लेकर के हम लोगों ने एक प्रैक्टिकल किया वैज्ञानिकों ने, और इस गतिक साम्य को प्रैक्टिकल द्वारा सिद्ध किया कि जितने अणु पानी के जितने अणु चीनी के पानी में घुल रहे हैं उतने ही अणु घुले हुए फिर से चीनी के ठोस कण बन जा रहे हैं। तो ये रेडियो एक्टिविटी द्वारा वैज्ञानिकों ने इस डायनेमिक इक्विलिब्रियम को सिद्ध किया। यदि हम रेडियो एक्टिविता विहीन यानी नॉन रेडियो एक्टिव चीनी के संतृप्त विलयन में रेडियो एक्टिविता युक्त चीनी की कुछ मात्रा डाल दें तो कुछ समय बाद हमें दोनों विलयन एवं ठोस चीनी जिसमें प्रारंभ में रेडियो एक्टिविता युक्त चीनी के अणु नहीं थे किंतु साम्यावस्था की गतिक प्रकृति के कारण रेडियो एक्टिविटी एवं एक्टिविता युक्त एवं रेडियो एक्टिविता विहीन चीनी के अणुओं का विनिमय दोनों प्रावस्थाओं में होता है। इसलिए रेडियो एक्टिव एवं रेडियो एक्टिविता युक्त चीनी अणुओं का अनुपात तब तक बढ़ता है जब तक यह एक स्थिर मान तक नहीं पहुंच जाता। तो कहने का मतलब यह है इसलिए रेडियो एक्टिव एवं रेडियो एक्टिविता युक्त चीनी अणुओं का मतलब रेडियो एक्टिविता युक्त और बिना रेडियो एक्टिविता युक्त यह कहना चाहिए, जैसे यहां लिखा है रेडियो एक्टिविता युक्त एवं रेडियो एक्टिविता विहीन, यहाँ थोड़े त्रुटि हो गई है, इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। ये देखिए इंग्लिश में सही लिखा है द रेशियो ऑफ द रेडियो एक्टिव टू नॉन रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इन द सॉल्यूशन इंक्रीजेज टिल इट अटेंड ए कांस्टेंट वैल्यू। तो यहाँ पर सही कर लीजिए अपनी बुक में रेडियो एक्टिविता युक्त और इसको रेडियो एक्टिविता विहीन लिख लीजिए, यहाँ पर देखिए सही लिखा है, यानी रेडियो एक्टिव और नॉन रेडियो एक्टिव जो चीनी के पार्टिकल हैं उनमें क्या होता है कि धीरे धीरे अनुपात बढ़ता जाता है
जब तक एक स्थिर मान तक नहीं पहुंच जाता, यानी इक्विलिब्रियम या साम्य स्थापित नहीं हो जाता। तो देखिए प्रैक्टिकल कैसे किया गया कि चीनी के अणु में कुछ चीनी के अणु रेडियो एक्टिविटी पदार्थ युक्त थे, कुछ नॉन रेडियो एक्टिविटी पदार्थ वाले थे। अब जब उसमें घोलना शुरू किया गया पानी में, तो जब घोलते जा रहे हैं घोलते जा रहे हैं, एक समय ऐसे आ जाएगी जब सैचुरेशन की स्थिति होगी, यानी संतृप्ति स्थिति होगी, जब आप ज़्यादा चीनी नहीं घुलेगी। तो नीचे जितना घोलेंगे तो घुलेगी, लेकिन नीचे उतना ही बैठ जाएगी। तो जितना बैठ रही है और जितना घुल रही है, उसमें देखा गया कि जो रेडियो एक्टिविटी युक्त चीनी थी और नॉन रेडियो एक्टिविटी युक्त चीनी थी, मतलब रेडियो एक्टिविटी युक्त और बिना रेडियो एक्टिविटी युक्त चीनी, उसमें आपस में मात्राएं लगभग बराबर हो गई। धीरे धीरे फिर बराबर होने लगी, मतलब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई। तो इस प्रकार प्रैक्टिकल करके वैज्ञानिकों ने इसको सिद्ध किया। अब देखिए द्रवों में गैसें घुलने की प्रक्रिया के बारे में स्टडी करेंगे, तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।